राजा पद्मसेन राज किया करते थे, जिसकी रानी का नाम था मैणावंती, एक 11 साल की कन्या जिसका नाम चंद्रावल और 4 साल का गोपीचंद। राजा पद्मसेन बड़े अच्छे ढंग से राजकाज का काम कर रहे थे, अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है और रानी बड़ी समझदार थी, उसने सभी मंत्रियों को इकट्ठा करके और राजकाज का सारा भार मंत्रियों को सौंप दिया और लड़के गोपीचंद की शिक्षा आदि का प्रबंध किया। तो जब गोपीचंद जवान हो गया तो रानी मैणावंती ने राज तिलक का प्रोग्राम बनाया, आसपास के सभी राजाओं को इकट्ठा करके गोपीचंद को राज तिलक कर दिया। उसी दिन 16 जगह से नाई और ब्राह्मण रिश्ता लेकर आए हुए थे। रानी ने सोचा मेरे दरवाजे से कोई निराश होकर ना जा, 16 के 16 रिश्ते मंजूर कर लिए। गोपीचंद के यहाँ 16 रानी हो जाती हैं और बड़े अच्छे ढंग से राजकाज का काम करते हैं। समय बीतता चला गया, गोपीचंद के यहाँ 12 कन्याओं ने जन्म लिया। सबसे बड़ी रानी का नाम था पाट्यमदे और जो सबसे छोटी पटरानी थी उसका नाम था कृष्णावती। जो बड़ी रानी पाट्यमदे थी उसको एक दिन सपना आता है कि तेरा पति तो जोगी बन गया। उसने सुबह जो दरवाजे पर हलकारा रहा करता उसका नाम अभय सिंह था, अभय सिंह को बुलाया और कहा भाई अभय सिंह तू एक बार गोपीचंद महाराज को बुला कर लिया और एक बात के द्वारा क्या कुछ कहती भला। न बोली रे तू अभे संग देवान दरबार राम जाइए राजा तया
बात बताइए रे। कहला के रानी मेरे को ड्यूटी छोड़ने की इजाजत नहीं है, महाराज के सख्त हुक्म है, मेरी ड्यूटी दरवाजे पर है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। के भाई तने ड्यूटी की चिंता नहीं है, मेरे पास बतेरी दासी बांधी हैं, तू जल्दी जा। क्या बताया ये मेरे भाई कुलदीप पूर्व डोडी 50 रुपये से मान सम्मान करते हैं, हम बार बार धन्यवाद देते, धन्यवाद। सज्जे मेरा रणवास तन मन की दो बात करूंगी, नहीं खेलना तो प्रकाश मेरे से दर्शन की प्यास और मन को छना चाहिए रे। आए पिया जी है महल में सिंह जी ठेकेदार के सपुत्र भाई मदन जोड़ी गांव के भावी उम्मीदवार सरपंच पद के 100 रुपये से पार्टी का मान सम्मान करते हैं और वे बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, बहुत अच्छा बेंजू मदन भाई बहुत अच्छा बेंजू बजाते भी और गाते भी हैं, बहुत अपने अपना पूरा आनंद लेते हैं, भरपूर बहुत अच्छे कलाकार हैं। 100 रुपये से पार्टियां मान सम्मान करते हैं, हम बार बार धन्यवाद देते, धन्यवाद। परम श्रद्धे बाबा भूतनाथ जी काफ़ी नाम पहले दिया और 100 रुपये से और आशीर्वाद देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद। कृष्णावती बुलावे से और पट में देखा ले लिए नाम, महला में रानी बुलवावे और नहीं से कोई, महला में रानी बुलवावे और नहीं
का जरूरी काम उन्हें तू न्यू बतलाइए रे। भगत गुरु जी के सुल्तान संग हैं ताबेदार। देखे कर कहने नमस्कार चरण मनुषी से झुकाइए।